नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभेंदु मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कोर्ट में पेशी। कोर्ट से सीबीआई ने रिमांड की अपील की है। सीबीआई कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी है। कई दिन से ये आरोपी फरार चल रहे थे। नीट पेपर लीक के बहुत ही अहम किरदार हैं जिन्हें रिमांड पर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट से सीबीआई की तरफ से 10 दिन की रिमांड दी गई है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। कुछ अहम किरदारों को इस वक्त सीबीआई कोर्ट की तरफ से 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। तो आरोपी रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत ही अहम किरदार जो इस पेपर लीक मामले से संबंधित हैं, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर की जा सकती है? देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य किरदार में से एक है। एक किरदार जो है वो संजीव मुखिया है, दूसरा रॉकी। रॉकी की गिरफ्तारी सीबीआई जो है वो करने को लेकर के पिछले कई दिनों से प्रयासरत थी, जिस खबर को लगातार बता रहा था। और ये खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 बता रहा अपने दर्शकों को कि रॉकी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद रॉकी को पटना स्थित सीबीआई के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह है उनके यहाँ पेश किया गया कोर्ट में। और रॉकी को 10 दिनों की रिमांड की अर्जी जो है वो सीबीआई की तरफ से लगाई गई है। सीबीआई के जो पीपी हैं अमित पार, उन्होंने ये अर्जी लगाई है जिसे संभवतः कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 10 दिनों के लिए जो है रॉकी को सीबीआई के पास जो है वो रिमांड पे सीबीआई कोर्ट ने भेज दिया है। अब सीबीआई जो है रॉकी से विस्तृत पूछताछ करेगी और पूरे कड़ी जो है अब तक जो भी सवाल जवाब हुए हैं, जो भी अनुसंधान हुए हैं, उससे रिलेटेड सवाल किए जाएंगे रॉकी से और फिर उसका मिलान किया जाएगा। और मिलान करने के बाद ये भी कोशिश होगी अब सीबीआई की कि इस मामले का जो दूसरा मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में भी सीबीआई की टीम जो है वो काम कर रही है और कामयाबी हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो कहीं नहीं कह सकते हैं कि क्लू जो है वो निकलवाने की कोशिश होगी। सीबीआई की टीम जो है वो रॉकी से ये जानने की कोशिश होगी करेगी कि संजीव मुखिया फिलहाल कहाँ है, और इसकी अगर जानकारी है तो उसके जानकारी गैदर करके फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि रॉकी की भूमिका जो अब तक अनुसंधान के दौरान या जो इन जिन लोग ने गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो बातें बताई है वो कहाँ तक सही है और कितने प्रमाणिकता पाती है सीबीआई इस मामले को लेकर के, उससे रिलेटेड तमाम अनुसंधान अब आगे चलेंगे। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो यही है कि रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई जो है कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी है। कोर्ट से आर्गुमेंट किया 10 दिनों के रिमांड जिसे संभवतः कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जी, वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरह से सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बताएं। मनीष वर्मा को जेडीयू में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं रिटायर्ड आईएएस अफसर मनीष वर्मा। मंगलवार को जेडीयू में वो शामिल हुई थी। सीएम नीतीश के करीबी हैं मनीष वर्मा और इसीलिए उन्हें बहुत ही अहम और बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू के भीतर दी गई है। इससे पहले भी कई मौकों पर नीतीश कुमार के आसपास वो नजर आ चुके हैं और कल ही उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं रिटायर्ड आईएएस अफसर मनीष वर्मा। आपको बता दें कि मनीष वर्मा ने इस बात की भी चर्चा की कि उनके पास जितनी भी शक्ति है, जितनी भी इच्छा शक्ति है, जितनी मेहनत वो कर सकते हैं वो जेडीयू के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मेहनत करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। लखीसराय में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, इस मौके पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाने की जरूरत है। हिंदू महिलाओं का एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं का एफटीआर ज्यादा है और इसीलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़ा कानून लाने की जरूरत है। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में आज जमीन कम पड़ गई है, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा।
हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की जरूरत है। देश में 147 जिला है जहाँ का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और वो कारण है हिंदू महिलाओं की FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं की FTR ज़्यादा है, 25% के लगभग में ज़्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत है। और आइए अब आपको बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर आखिर जोर क्यों दिया जा रहा है। दरअसल भारत की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, क्या कुछ कारण है इस पर हम आपको एक नजर डालना चाहेंगे। तेजी से बढ़ रही है भारत की जनसंख्या और इसीलिए इसे नियंत्रण करने पर जोर दिया जा रहा है। बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन दुनिया भर में बढ़ती जा रही है और भारत में ये विस्फोटक रूप से देखने को मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संकट पैदा कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें कमी आएगी। भारत सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला दुनिया भर में देश बन गया है। 140 करोड़ से भी ज्यादा हमारे देश की आबादी है, यानी कि भारत की आबादी है, और भारत जनसंख्या को लेकर विश्व में नंबर 1 बन चुका है। लाल किले से पीएम मोदी ने छोटे परिवार की अपील भी की थी। उन्होंने कहा भी था कि छोटा परिवार खुशहाल परिवार। उन्होंने कहा कि जन्म से पहले जरूरत के बारे में आप जरूर सोचें कि क्या आप उन बच्चों को जिन्हें आप जन्म दे रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे या नहीं। हम दो हमारे दो की चर्चा हमेशा से की जा चुकी है। 3 दशक से जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार जारी है और तेजी से बढ़ रही है भारत की जनसंख्या। कहां कहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। पहला नंबर हमारे देश भारत का है और जनसंख्या के आंकड़े को देखिए, 142.86 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश है। चीन दूसरे नंबर पर 142.57 करोड़ की जनसंख्या चीन की है। इसके अलावा अन्य देशों की भी हम चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर भारत देश कहां पर है, क्यों पहले नंबर पर हम हैं। अमेरिका 34 करोड़ यहां की जनसंख्या है। इंडोनेशिया की बात की जाए तो 27.75 करोड़। पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ की जनसंख्या पाकिस्तान की है। यानी कुल मिलाकर इन आंकड़ों को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि भारत की आबादी कितनी ज्यादा है। क्या है पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल, ये बिल भी लाया गया था, ये प्रस्ताव भी लाया गया था, इसमें क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। 2019 में जनसंख्या विनियमन विधेयक लाया गया, इसके अंतर्गत बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ये पहल की गई थी, इसीलिए इस बिल को लाया गया। और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर कई सारे ऐसे लाभ हैं जिससे आप वंचित हो सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा इस अधिनियम, इस बिल के तहत इन बातों का जिक्र किया गया। अगर हम घर की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, इन क्षेत्रों में आपको परेशानी हो सकती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत बहुत सारी जो नियम कानून है उससे बनाया गया है और बढ़ती आबादी को रोकने के लिए इस नियम को लाया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, क्या कुछ कह रहे हैं नेतागण सुनिए। जब कोई कानून बनाने की बात आती है तो वो राष्ट्र के हित को देखते हुए बनाने की बात आती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आज इस देश की आवश्यकता है। भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करना एक बहुत ही जरूरी विषय है आज के दिन में, और इसके लिए अगर कानून बनाने की जरूरत पड़े तो कानून बनाना चाहिए। इस कानून से किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है, ये कानून पूरे देश पे लागू होना चाहिए क्योंकि देश के भला में सबका भला है। कहीं देश के लिए भी एक चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी। इससे किसी भी जाति और धर्म की कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इसमें किसी जाति धर्म और मजहब को घसीटना भी नहीं चाहिए। बढ़ती जनसंख्या भारत देश के लिए तमाम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है और अगर सरकार इस ओर कोई कड़ी कदम उठाती है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो या कोई और पहलू या कोई और अवसर जो सार्थक और ये हो, विकास से जुड़ी हुई बात हो,
उसमें हमारी पार्टी, हमारे नेता सरकार के साथ मजबूती से है। देखिए, गिरिराज सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस प्रकार से अनाप शनाप बयान देना ये कहीं से भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। खास तौर से जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, तो हम सभी चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में डंडा चला करके जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहती है? हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था वैसी बने। संख्या नियंत्रण के जो आंकड़े हैं वो तो साफ साफ दर्शाता है कि पूरे तौर पर नियंत्रण में है, और बौद्धिक विकास जैसे जैसे होते जा रहा है पूरे नियंत्रण में है। इसके लिए कोई अलग से कानून की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज सिंह जी को कोई मतलब ही नहीं है मंत्रालय से। कपड़ा मंत्रालय का रोड मैप लेकर के आइए ना, क्या हो रहा है देश में, कैसे विकसित करनी है। आपके अगर नाप कपड़े के छोटे पड़ जाते हैं तब जनसंख्या पर चले आते हैं, मुसलमान पर चले आते हैं, कहीं पाकिस्तान पर चले आते हैं। अरे आंकड़े ला करके प्रस्तुत करिए ना। बढ़ती जनसंख्या पूरे देश और प्रदेश के लिए एक बड़ी और गंभीर समस्या है। संसाधन सीमित है, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले भविष्य में ये और बड़ी चुनौती के रूप में होगा। हमारे नेता, हमारी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि इसका सबसे बेहतर विकल्प है लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को साक्षर करना। बिहार मॉडल आज पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में है, जहां बच्चे बच्चियों की शिक्षा दीक्षा यदि 10वीं और इंटर तक होती है तो जो प्रजनन दर है वो देश के औसत से बिहार में कम है। वही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी सहमत नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि कानून तो हमने आपातकाल में भी देख लिया, कोई समाधान नहीं निकला। जबरन नसबंदी कराई गई थी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण समय की बहुत बड़ी मांग है। नियंत्रण समय की बहुत बड़ी मांग है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर इसलिए भी चिंता व्यक्त की है कि आने वाले समय में ये फूड क्राइसिस बनेगा। इस समय भारत की जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में है। आपकी जानकारी के लिए इस समय जो ग्रोथ रेट है 1.4 है, जबकि विदेशों में 2+ है। और बिहार सरकार ने जो इस विषय में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उसको भी फॉलो की करने की ज़रूरत है, बगैर किसी सख्ती के, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी जुर्माने के। उन्होंने पॉलिटिकल एजुकेशनल अवेयरनेस के जरिए 3 point something का जो ग्रोथ रेट था, प्रजनन दर थी, उसको 2 point something पे ला करके किया है। और विश्व जनसंख्या दिवस पर बीजेपी ने कानून बनाने की मांग कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गजवाए हिंद के लोग जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब यह देश दंगों का देश हो जाएगा। 3 पत्नी और 18 बच्चे वाले जैसे लोगों को सरकारी सुविधा और चुनाव लड़ने से वंचित करने का सरकार को निर्णय लेना चाहिए। दिवस पर मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से यह मांग करता हूं कि अतिशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इस देश को सुरक्षित किया जाए, वरना गजवाए हिंद के तहत जो यहां योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है। बिहार देश के 9 राज्यों की डेमोग्राफी खराब हो चुकी है, बदल चुकी है। वह दिन दूर नहीं जब यह देश अगर नहीं लागू किया गया है कानून, ये दंगों का देश बन जाएगा। 3 बीवी और 18 बच्चे वालों को अब सभी योजनाओं का लाभ मिलना बंद होना चाहिए। चुनावी राजनीति से उनको दूर रखना चाहिए, सब्सिडी उनका बंद होना चाहिए। और